नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, चेक करने वाला ऑप्शन आधार कार्ड वेबसाइट से हटा दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब आप जो है आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है नहीं चेक कर सकते हैं। हम आपको नया तरीका बताएंगे कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों, आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया है। अब काफ़ी लोग परेशान है कि अब यहाँ से कैसे हम चेक करेंगे, तो हम आपके लिए एक नया तरीका लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप बहुत आसान तरीका से अब भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। आधार कार्ड का जो पोर्टल है इसमें हटा दिया गया है, लेकिन हम नया पोर्टल बताएँगे और नया पोर्टल से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube पे जितने भी पुराना वीडियो अपलोड है अब सारा वीडियो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां से ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आपको नया वेबसाइट से चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए नया वेबसाइट ढूंढ के लाया हूं और यहां पे चेक करके बताएंगे। तो आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको आधार कार्ड लिख के सर्च कर देना है। आधार कार्ड लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भाषा सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो आधार कार्ड ने बहुत बड़ा गलत किया है कि यहाँ से जो है मोबाइल नंबर कौन सा अपडेट है चेक ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेरीफाई एन आधार नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माई आधार पोर्टल पे तो हमको भेजा है। अब देखिए, समझना है आपको, यहाँ पे वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन है यहाँ से गायब कर दिया गया है। इस पर क्लिक ही नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए यहाँ से, अब आप ये नहीं चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो हमारे पास और भी व्यवस्था है, हमारे पास और भी तरीका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा वेबसाइट खोलेंगे जहां से हमें अपना काम लेना है कि हमारा आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो हम क्या करेंगे, BISPMJY लिख के सर्च करेंगे गूगल में, आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आयुष्मान कार्ड का वेबसाइट पे लेके आएगा। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम देखना है कि हमारा आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक करना है, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आयुष्मान डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया ऑप्शन आएगा, आधार का टिक मार्क आएगा, देख सकते हैं। ये आधार वाले टिक मार्क पे आपको क्लिक कर देना है और सिंपली आपको स्कीम PMJ रखना है, स्टेट आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, हम लाइव कर देते हैं इंटर आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आधार नंबर आपको टाइप कर लेना है, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और ये जो जेनरेट OTP वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नंबर शो करेगा, यही आपका नंबर आधार कार्ड में लिंक है। अगर कोई भी नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाएगा और OTP नहीं आएगा, जो नंबर लिंक रहेगा उसी पे OTP आएगा। तो दोस्तों, अब यही तरीका है, अब इसी तरीका से जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे वेरीफाई मोबाइल का जो ऑप्शन हटा दिया है, अब यहाँ से आप हमेशा चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो पुराना वीडियो बनाया है, जो जो यूट्यूबर बनाया है, तो सब लोग वहाँ पे ढूंढ रहा है लेकिन वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब नया वीडियो अपडेट आया, अब नया वीडियो में आप देख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है।